कल मुंबई में रखी गई थी तुषार कपूर की फिल्म बजाते रहो की स्क्रीनिंग, जहां बॉलीवुड के सितारे इतने कुछ नजर नहीं आए, पर टेलीविजन से कई यहां मौजूद थे। और यहां आए स्टार्स ने फिल्म की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस फिल्म। मैं बहुत उम्मीदें रखती हूँ फिल्म से कि बहुत मजेदार फिल्म होगी, बहुत मजा आएगा, हंसी आएगी। और एज एन एक्टर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये जो दिल्ली वाली जितनी फिल्में होती है ना, वो ऑडियंस की बता देती है कि ऑडियंस देखिए इतनी खुश होती है दिल्ली वाली फिल्मों को देख कर। विकेट होने से शुरू हुआ था, इनफैक्ट घोसला से शुरू हुआ था, फिर विकेट उन्होंने आगे कायम किया, फिर टुकड़े आई, अभी बजाते रहो है। आई थिंक दिल्ली इज द न्यू फ्लेवर, दिल्ली वाले लोग सबकी बजा देते हैं मुझे लगता है। बहुत सारा बजाना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो काफ़ी देर तक चलता रहेगा और वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टाइप का टेंस है, तो मुझे लग रहा है कि जब तक हम बाहर आएंगे हम उसी मूड में होंगे। सर, आई नो द प्रोड्यूसर्स एंड आई वांट टू विश देम। चलिए, यहाँ तो फिल्म के स्टार कास्ट ने भी हमसे की बात, एंड देयर फिंगर्स आर क्रॉस्ड फॉर दिस फिल्म। मेरे लिए बहुत टफ टास्क है, इट्स नॉट ईजी, और सेम टाइम ऑडियंस का प्यार पाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारी सारी मेहनत आज रंग लाने वाली। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, ऑल ऑफ यू, आपका सपोर्ट रहेगा तो ऑडियंस भी हमें सपोर्ट करेगी। क्योंकि यूएसपी कहानी है, प्लॉट है, कहानी है, एंसेंबल है और एंटरटेनमेंट। आई एम रियली स्कैर्ड, आई एम रियली नर्वस, बिकॉज़ आपको मालूम है, उम्मीद है कि लोग पसंद करेंगे। अब जब बॉक्स ऑफिस पर 10 फिल्में एक साथ आ रही हैं, तो कहना मुश्किल होगा कि बजाते रहो बॉक्स ऑफिस पर बराबर धमाल मचा पाएगी या नहीं। फॉर दिस वी हैव टू वेट एंड वॉच। फॉर हार्दिक टंडा, जूम मुंबई।